के लिए तैयार है आपकी बात ने। अच्छा मतलब ये दो रे गंदा और आंख वाले की मार रहा अंधा। ओ हीरा मंडी देखी है जहाँ पे हीरा मिलता है? नहीं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। क्या करने आया अब यहाँ पे? मैं यार छाने वादी करने आया। चलो अच्छा खैर हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा, ये क्या कर रहा हूँ। तो आज व्लॉग तो खैर नहीं आएगा, उसकी वजह ये है कि आज हम लोग आए हैं रोड शो करने के लिए, कि आज हमने कुछ लोगों को पकड़ना है और इनसे कुछ ना कुछ बातें करनी है। थोड़ी सी बात करनी है आपसे। तो बात दरअसल ऐसी है, थोड़ा करीब आ जाए माइक क्योंकि मेरे पास तार छोटी है ना। बात दरअसल ऐसी है कि आप ये बताएं, इतनी महंगाई के दौर में गरीब इंसान खाना खाएगा या कुर्बानी करेगा? आपने जानवर खरीद लिया? नहीं अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खरीदा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने नहीं खरीदा? अच्छा भाई ने अभी तक जानवर नहीं खरीदा है, इसकी वजह क्या है? अभी तक क्यों नहीं खरीदा आपने जानवर? आई थिंक कुछ मामला होते हैं वो फंसे हुए वो लड़के। तो चलिए शुरू करते हैं। होंगे तो अल्लाह पाक असबाब खुद ही बनाएगा इंशाल्लाह। जाहिर है महंगाई का दौर है तो कोई कैसे। ये आप क्या दे रहे हैं? चने। घबरा क्यों रहे? किस वजह घबरा रहे हैं? परेशान है आप? नहीं कहीं परेशान नहीं, मतलब मुल्क के हालात खराब हैं शायद इस वजह से परेशान। अब ये बताओ भाई कुर्बानी कहाँ से करेगा, महंगाई का दौर है और बेरोजगारी बहुत है। हाँ बिल्कुल, आजकल की हुकूमतों ने भी जो है ना ही किसी को जॉब मिल रही है ना ही कोई काम कर सकता है, गर्मी भी बहुत है और कुर्बानी भी कोई नहीं कर सकता गरीब। गर्मी जो है ये महंगाई की वजह से हो गई है? महंगाई की वजह से हो रही है और कुछ जुल्म। एक और शख्स से मैं आपको मिलवाता हूँ इस वक्त। थोड़ा तेज आया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अबे बात तो सुनो। अबे यार समझ चली गई है। अब उसको आपने जो है बुलाना है, मनाना है, क्या टोपी देंगे, क्या ड्रामा करेंगे, वो अब आपके। मेरा एक आज छोटा सा सवाल है, आपने हीरा मंडी देखी है? जहाँ पे हीरा मिलता है? नहीं नहीं ये सचमुच की हीरा मंडी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कभी जिंदगी में सुना होगा हीरा मंडी लाहौर में एक बहुत मशहूर जगह थी? सुनने में तो बहुत सारी बातें आती हैं भाई। आती है ना? बिल्कुल आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। बात दरअसल ऐसी है, हीरा मंडी है लाहौर में, ठीक है। अब कुछ टाइम गुजरा है, कुछ दिनों पहले एक मूवी रिलीज हुई है हीरा मंडी के नाम से, लेकिन वो मूवी इंडिया वालों ने बनाई है। तो क्या ये सही है गलत है? जगह हमारी, मूवी वो बना रहे। ये तो सरासर ना इंसाफी है। गलत बात है ना? बिल्कुल है, चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये खाओ। तो इसके पैसे लेंगे आप मुझसे? पैसे कैसे नहीं लेंगे, ये देना। महंगाई ज़्यादा है, पैसे कैसे नहीं लेंगे? तो आप तो धमकी दे रहे हैं मुझे सीधी सीधी। नहीं सीधी कैसे धमकी आप तो मुझे आप नहीं, अब आप गलत बात कर रहे हैं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे नहीं मांगा। उसके अंदर जॉनी सेंस का कैरेक्टर सबसे फेमस कैरेक्टर है, आपने देखा है? देखा तो नहीं है लेकिन अब देखूंगा, आपके कहने पे देखूंगा जरूर। आप लाजमी देखें, मतलब जो जॉनी सिंस का कैरेक्टर है सबसे बेहतरीन कैरेक्टर। इंटरव्यू दे चाचा। तुम्हारा इंटरव्यू बहुत है चाचा, दोनों एंजॉय होगा यार। अरे यार किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, अब तो आ गए, अब आ गए, अब तो आ गए यार, घर के आ गए यार। देखें दरअसल चाचा का इशू ये, चाचा धक्के दे रहे हो गिर जाऊंगा। बोल रहा हूं यार क्यों घर वाले बोलेंगे, ये तो मां के पास घड़ियाल में बैठे ना। अच्छा पीछे से भरपूर जो है ना चाचू, किसी का भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, मजे ले रहे, मजे ले रहे हो ना? नहीं मजे नहीं ले रहे, मजे नहीं कोई जिसका बात पे। मैं गांव छोड़ के आए थे, मजदूरी कर लिया है ना। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ सदर भी। सदर बहुत बड़ा है चाचू, मुझे घर का एड्रेस बताए। घर का सखर गए। यहाँ सखर कहाँ से आ गया? यहाँ से कराची भी आए हैं। मैं यहीं का सवाल करूंगा ना, मैं सखर तो नहीं, सदर से बैठा हूँ बोल रहा हूँ। प्यार हुआ कभी? नहीं नहीं नहीं। शादी? शादी हुई है। कितने बच्चे? चार पांच बच्चे हैं। अपने बच्चे याद नहीं है आपको? चार हैं या पांच हैं? याद हैं पांच हैं। ये माशरे के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। बात ये नहीं थी, बात ये होती है कि मैं खुद परेशान हूँ। तो परेशानी पे ही बात करते हैं, क्या परेशानी है? इंसान डिस्कस तो कर सकता है एक दूसरे से। मेरा अभी पिछले हफ्ते परेशानी के अंदर एक बंदे ने मेरी वीडियो वायरल करी और उसमें उसने लाखों रुपए कमाए। हकीकत है लोग ये फायदा उठाते हैं। मुझे
इसके पीछे रीजन कोई नहीं है, मतलब शौक का कोई मोल नहीं होता सर। अच्छा समझ रहे हैं आप? बस शौक, किस चीज का शौक है आपको? बस ये ताव देने का। कभी ऐसा हुआ है मूंछों को ताव देते हुए आप गिर गए घूम गए? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट ऑफ व्यू मैं आपको, इफ यू डोंट माइंड, कि मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि आप काइंडली, मैं अभी यहाँ जो आया हूँ ना, सिर्फ मैं इस तकलीफ के तहत आया हूँ कि मेरा ये 20 तारीख को आपका ऑपरेशन हुआ है और मैं आप लोगों के पास नहीं आया था। मैं पार्क के डायरेक्टर राहिल साहब के पास आया था, लेकिन मेरी उनसे काइंडली मुलाकात ना हुई। हाँ, सिर्फ इतनी अगर आप, मैं आपको मेरे से आपने जो भी कुछ पूछना है और मैं इंटरनेशनल टोटल लैंग्वेजेस में बात कर सकता हूँ आपसे काइंडली, कि मुझे सिर्फ राइट नाउ के मुझे बेट है, मुझे 500 की नीड है जी। कोई अगर मेरी फेमस हूँ, यार इधर आएगा भाई, ज़रा आपसे बात करनी है। सलाम अलैकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक। यार आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पोपन का थैला लगा रहे हैं। किसका? पोपन का। पोपन, पोपन क्या होता है? पोपन जो फूले होते हैं, मकई के दाने। मकई के दाने। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से जो है यहाँ पे आप? पकड़ो, नहीं तुम ले लो मेरा इंटरव्यू भाई, मैं चला जाता हूँ घर। अच्छा अभी आज आपने अभी करना क्या है? आपने कैमरे में देखना है और कैमरे में देख के आपने एक जो है, समझे आपकी गर्लफ्रेंड थी वो भाग गई, छोड़ गई आपको, सही है। अब आपने इस कैमरे में देख के ना उसको वापस बुलाना है कि आ जाओ, आज के हमारा एक वो है जी। क्या बुलाना है यार? बुलाना है, चलो सॉरी मुझसे गलती हो गई, जो गलती हो गई आ जाओ। गलती तुमसे नहीं हुई, गलती उसी से हुई है। फिर कैसे आई हो? तो नहीं आई। माफी क्यों? तुमने ऐसा क्या किया था कि वो चली गई? मैंने उसका दिल तोड़ा, किसी और से संगत कर ली। संगत जरूरत है, अभी आप इनकी 500 की हेल्प करते हैं। तो इस वक्त लाइव आपको ऑडियंस देख रही है, 500 की हेल्प हो जाए। अंकल की हेल्प हो गई, अंकल काफी परेशान है। लेकिन बात क्या है कि हमें थोड़ा टाइम 10-15 मिनट देने पड़े। आप 500 क्या बैंक अकाउंट से निकालेंगे, एटीएम वगैरह मारेंगे? आपके पास जेब में नहीं है 500 जी? जितनी मेरे को नीड है मैंने उतना ही बोला है। जी जी जी, आप दे रहे हैं? थोड़ी देर देख रहा, क्या कैसे मतलब अभी आप कैसे थोड़ी, थोड़ी देर में ऐसा क्या होगा कि आप 500 देंगे? नहीं, कजन से लेके देंगे। आप नहीं दे रहे? वही मेरा कजन। कैसे मतलब आपका इरादा नहीं? इरादा है, ये तो इरादा इनका बिल्कुल नहीं लग रहा इतना। यार ये चाचा के जो पीछे से अड़े और बड़े आ रहा है ना, अल्लाह की कसम बहुत मजे का है। आपको पता, आपके सवाल का जवाब भी हो जाए और मैं भी बता सकूं। गुड हो गया क्या? मैं ना जानू ना पहचानू, तू है मेरा कोई और है तू, एक बार मिलके गले से लगा जा, आ जा आ जा माही तू आ जा, आ जा आ जा जाना तू आ जा। इस टाइप बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी क्या बोला कि मैं आप लोगों के पास तो आया नहीं था। आप अपना के पास आए थे? हाँ, लेकिन आज फ्राइडे उनसे मेरी मुलाकात ना हो। लेकिन ये आप ये नहीं देना चाह रहे मुझे ऐसा लग रहा है, वरना अगर ये देने वाले होते तो फिर ये दे देते आज। कोराई साहब, कोराई साहब, एडे अच्छे, हाँ एडे अच्छे, ए मुझे शो चले, एडे अच्छे। मेरे को आप लोग अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन होंगे इस पार्क में आ रहा हूँ, मेरे को इस पार्क में आते हुए 30 साल हो गए। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया। ये आज यहाँ आए मैं तो कोई खास मकसद था यहाँ आने का, ये ऐसी एंजॉय करने, गैदरिंग करने? आप चूतिया हैं? यहीं पे रहता हूँ कराची में, लेकिन फेरियल हॉल में कभी नहीं आया मैं। पहली दफा? आज पहली दफा है जी, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। मैं बंदे की फीस रीडिंग और उसकी बॉडी लैंग्वेज को पहचान लेता हूँ। फीस रेडिंग आप पहचान के मतलब बता सकते हैं कि वो क्या कहने का है? कि ये किस लैंग्वेज, मैंने बोला ना बॉडी लैंग्वेज देख के मैं समझ जाता हूँ कि ये किस रुत में जा रहा है। हम भी तो हो रहे हैं ना जुल्म हमारे पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा तो है, कोई सच्चे लीडर नहीं है, अगर जो सच्चे लीडर हैं वो तो जेलों में बंद पड़े हुए हैं। इधर तो ये बेटा यहाँ मुजरा हो रहा है, यहाँ से चले जाओ। चलो आपके 5-5 बोला भाई। बच्चे आपके? 5।
बच्चे आपके, मेरा सवाल ये आपके हैं किसी और के हैं? और के कैसे होंगे, मेरे हैं। अच्छा एक काम करो, कितने के हैं ये मुझे खिलाओ। बात ऐसी है भाई, बात दरअसल ऐसी है, आप कुर्बानी करेंगे इस दफ़ा या नहीं करेंगे? इरादा है इंशाल्लाह ताला करेंगे, अल्लाह ने तौफीक दी तो ज़रूर करेंगे, पक्का करेंगे। गोश्त पहुँचाना है आपने? पहुँचाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पर गरीब देखेंगे, जिसके पास नहीं कर सकता आज, उनको खाने के लिए कुछ नहीं उसको देंगे। पता चले वो आप भी उन लोगों की तरह वो पूरा एक एक मन जो है बछड़ा अपने फ्रिज में फिट कर लें, ऐसा तो नहीं है? हम मुसलमानों की ये तो पहचान है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। फिटिंग लाजमी है इंशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया आपका। जब भी मुसीबत में फंसा होता हूँ भाई एडवाइस देते हैं। फंसते कहाँ पे आप? फंसता वहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे जो चीज समझ में ना आ रही हो वो निकाल देते हैं ये। जी बिल्कुल, मुश्किल से निकाल देते हैं। निकाल देते हैं आप आसानी से? बहुत आसानी से, पता भी नहीं चलता इतनी आराम से निकाल देते। तो बगैर आवाज के तो डलते हुए तकलीफ नहीं होती, निकलते हुए होती? महसूस भी नहीं होता, महसूस नहीं होता बिल्कुल भी, पता भी नहीं चलेगा कब गया कब बाहर आया। आजकल वैसे भी वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, पोयो ऑयल, पोयो ऑयल मशहूर है ना वो। पोयो ऑयल भाई हमारे जुगनू भाई बड़े मशहूर है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनको बुरी नज़र से बचा के रख के, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। उनसे मैं मिल भी चुका हूँ, गुलशन है जमाल में उनकी शॉप है, मैं मिल चुका हूँ उनसे। होते मैं घर पे पोयो ऑयल, पोयो ऑयल करते हैं, शहजाद भाई नाम है वो, जुगनू प्रैंक के नाम से। हाँ हम जानते हैं पोयो ऑयल को, तो कौन नहीं जानता। बिल्कुल भाई पोयो ऑयल तीसरे में तुम, तीसरे में तुम चौथे में गुम, पोयो ऑयल ऐसे। आप भी ये करके दिखा दे 3-2-1 पिल्ले तो मजा ही आ जाए, लेकिन इनकी तरह 3-2-1 पिल्ले। बहुत शुक्रिया यार, बहुत थैंक यू।